लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम टू भोजपुरी वर्ल्ड सिवान। असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स का जो पेपर है, सैटरडे का पेपर, पेपर के अकॉर्डिंग बात करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि पेपर, चलिए आपको पेपर का डेट दिखाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता चलना चाहिए कि जो पेपर आप देख रहे हैं वो आज का अपडेटेड पेपर है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले आपको पेपर दिखाते हैं, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो सैटरडे फेबररी 3 फरवरी का रिक्वायरमेंट है 2024 असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स मुंबई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया पेपर कि ये पेपर आज का ही अपडेटेड पेपर है। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं वैकेंसीज की और बात करेंगे कंसल्टेंसी की, ऑफिस की कौन सा जेन्युइन है और कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, किस ऑफिस के थ्रू। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात करेंगे और ऑफिस के बारे में बात करेंगे, ऑफिस कौन सा जेन्युइन है या नहीं है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए इस ऑफिस के बारे में नहीं, जो ऑफिस का आइडिया नहीं है उसके बारे में हम बताएंगे, आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में। साखी इंटरनेशनल की बात करें तो साखी इंटरनेशनल हो सकता है ऑफिस अच्छा हो, बेटर हो, बट इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है। अभी बात करेंगे इंडमान में जो रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया देखें इंडमान का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, बड़ौदा में और मुंबई में वैकेंसीज चालू है। देखिए बहुत सारे भाई ढूंढ रहे थे बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर कहाँ पे रिक्वायरमेंट वैकेंसी चल रहा है, मुंबई के अंदर इंटरव्यू चल रहा है, बड़ौदा के अंदर इंटरव्यू चल रहा है। तो बड़ौदा का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया, अनुपटेक इंडस्ट्रीज ईस्ट गोरवा बड़ौदा कहीं पर है, वहाँ चल रहा है इंटरव्यू गुजरात में। ठीक है, और अनुपटेक रवाले में ये मुंबई में चल रहा है। मैकेनिकल क्रू में कौन कौन सा वैकेंसीज है इसके बारे में बात करते हैं। चार जेंट का कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट, बहुत सारे भाई ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर चार जेंट का है, पाइप फैब्रिकेटर का, पाइप फीटर का, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, रीगर, मेन लाइट फीटर, स्टील इरेक्टर, देखिए वेल्डर का भी है, GTAW CSR SS का, यहाँ पर सिर्फ GTAW CSR SS का, SMW बोथ रिक्वायर्ड है। तो पाइप वेल्डर, रीगर, स्कैफोल्डर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया। फाइनल जो क्लाइंट इंटरव्यू है ना, इंडमान के ऑफिस में होने वाला है मुंबई 6 और 7 तारीख को, फेबररी को। और ENI फील्ड का रिक्वायरमेंट भी, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेशन फीटर एंड इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया। ऑफिस कहाँ पे है, इंडमान आज़ाद नगर मुंबई में अवेलेबल, अंधेरी वेस्ट में। तो चेकआउट करें, कंप्लीट डिटेल्स है, एड्रेस है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मेंशन किया गया है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मेल आईडी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद, आपको पता ही होगा पुरानी और भरोसेमंद कंसल्टेंसी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ऑफिस के बारे में और बात करते हैं कौन सा और कौन सा वैकेंसीज है। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज पब्लिश किया गया, फैलकॉन के तरफ से भी कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। जैसे हम बराबर बताते हैं, फैलकॉन भी एक अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद ऑफिस है। या फैलकॉन का गुजरात का कुवैत का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, KOC का रिक्वायरमेंट है, KOC मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। फाइनल जो क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में 10 फरवरी को होने वाला, यानी सैटरडे के दिन होगा। और एक्सेलेंट सैलरी, फ्री फूड एकोमोडेशन प्लस ओवरटाइम मिलेगा। पोजीशंस की बात करें, पोजीशंस यहाँ बहुत सारा है, चेकआउट कर सकते हैं आप। पूरा पोजीशन अगर रीड करें तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर रीड करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें और इस पर देखें अच्छी तरह से, अप्लाई करें। फैलकॉन बात करें, फैलकॉन अच्छी है, सांता क्रूज ईस्ट में मुंबई में ऑफिस अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसीज है और कौन सा कंसल्टेंसी है। यूरोप, माल्टा, कुवैत का रिक्वायरमेंट ये है, ये ऑफिस कौन सा है, इस अल्फनार, इस ऑफिस के बारे में भाई हमें कोई आइडिया नहीं है। ओलिव इंटरनेशनल की बात करें तो ये ऑफिस भी सही है, ये ऑफिस भी भरोसेमंद है, ओलिव इंटरनेशनल। और इसका जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, दमाम का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट इंटरव्यू 4 तारीख को होने वाला है, यहाँ पे क्लियरली हर चीज़ मेंशन है। तो आपका काम है थोड़ा ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें, फिर अप्लाई करें। यहाँ पर देखें हर चीज़ मेंशन किया गया क्लियरली, पोजिशंस या मल्टी वेल्डर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइनर, सीनियर डिजाइन इंजीनियर, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, चेकआउट करें और अप्लाई करें। तो आगे बढ़ते हैं, ई ट्रस्ट की बात करें, देखिए ई ट्रस्ट इतनी तगड़ी नहीं है, क्योंकि ई ट्रस्ट एक टाइम पर तगड़ा कंसल्टेंसी हुआ करता था, बट अभी क्या ई ट्रस्ट में एजेंट बहुत है,
बहुत सारे एजेंट भरे पड़े हैं, तो फिर भी आप विजिट करें तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली काम हो तो बेटर है। और यहाँ पे कॉन्सल्टेंसी है रोज़, ये रोज़ का तो पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं। हम ब्राइट इंटरनेशनल की बात करें, ब्राइट इंटरनेशनल अच्छी है, यहाँ पे फोर्ड भी है, फोर्ड भी अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, भरोसेमंद है, इस पर भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अल वकील की बात करें तो अल वकील के बारे में बात करते हैं, अल वकील बहुत बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी है। जी हाँ, अल वकील की बात करें तो अल वकील अच्छी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है यूएई का, जूम के थ्रू इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया 3 तारीख को इसका इंटरव्यू, यानी कल है, मुंबई में इंटरव्यू है। 4 घंटे पहले ही बताया गया था ये रिक्वायरमेंट आपको, मेंशन वगैरह 4 घंटे का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है, स्टील फैब्रिकेटर फिटर का रिक्वायरमेंट। अल वकील बहुत अच्छी और बेहतरीन है, खारवेस्ट में अवेलेबल है, पुरानी कॉन्सल्टेंसी मेरे ख्याल से 84 की, हाँ 1984 की रजिस्टर, भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी, भरोसा कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उम्मीद आपके लिए बेहतर और ज़बरदस्त साबित हो गया। ब्राइट इंटरनेशनल की बात करें, बहुत अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, बहुत अच्छा आपके लिए, ये भी देखिए ब्राइट इंटरनेशनल का ये फ्री रिक्वायरमेंट, बहुत सारे भाई कह रहे थे कम लो चार्जेस कॉन्सल्टेंसी, भाई बहुत सारी कॉन्सल्टेंसी के फ्री रिक्वायरमेंट भी पब्लिश किया जाता है, हाँ बट पोजिशंस अलग अलग, यहाँ मैनेजर इंजीनियर फील्ड का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, ऐसा नहीं है, स्किल वालों का भी और नॉन स्किल वालों का भी फ्री रिक्वायरमेंट आता है, बिल्कुल ना घबराएं, सब्र रखें। रोज़ रोज़ के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है, ई ट्रस्ट हमने पहले ही बता दिया आपको, ई ट्रस्ट कैसा है, ऑलिव के बारे में बता चुके हैं। वीरा इंटरनेशनल की बात करें, वीरा टॉप कॉन्सल्टेंसी, जी हाँ, तो वीरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ओमान का ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इंटरव्यू 8 फरवरी को होने वाला है, कहाँ पे, ऑफिस में ही होगा, सेटरिंग कारपेंटर मेसन स्टील फिक्सर इलेक्ट्रीशियन, सेटरिंग कारपेंटर मेसन स्टील फिक्सर इलेक्ट्रीशियन, डबल डबल क्यों है इसमें, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या है, या फिर अलग अलग सेक्शन का हो सकता है, पता नहीं। वीरा इंटरनेशनल अच्छी और बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, स्पेशली जो होटल इंडस्ट्रीज वाले हैं ना, वो वीरा इंटरनेशनल को भाई चेक करें, और उस ऑफिस वेबसाइट विजिट करें और ये करें, उस पर सब्सक्रिप्शन ले लें उसका, बेटर होगा। ए बी एम इंटरनेशनल पता है, हर रोज़ एक नया कॉन्सल्टेंसी खुलता है भाई। एरोसी के बारे में अगर बात करें तो एरोसी अच्छी कॉन्सल्टेंसी, पुरानी भी है, उतनी रिव्यू उसका उतना तगड़ा उतना ज़बरदस्त नहीं है, फिर भी ये कॉन्सल्टेंसी ठीक है, तो ओमान का रिक्वायरमेंट अगर कोई बंदे इंटरेस्टेड है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, फ्री फूड अकोमोडेशन दिया गया, और कोई भी ऑफिस और कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात सबका सुने मगर अपना भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें फिर अप्लाई करें। हमाद एंटरप्राइज का रिक्वायरमेंट है, ये तुर्की का रिक्वायरमेंट है, पता नहीं ऑफिस के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है, ये ऑफिस कहाँ की है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसका लाइसेंस नंबर BIH पता नहीं, ये ऑफिस कहाँ की, अगर आप किसी को आइडिया है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में। हाँ, सीगुल का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया था कि सीगुल अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, सीगुल ज़बरदस्त ऑफिस है, कुवैत का यह रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट है, सऊदी का रिक्वायरमेंट भी लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस चल रहा है, 5 और 8 तारीख तक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑफिस ज़रूर विजिट करें, सीगुल 100% जेन्युइन है, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुहाना ट्रैवल के बारे में देखिए उतना कुछ खास ये नहीं है सुहाना ट्रैवल का, ये मेरे ख्याल से केरल की रजिस्टर्ड कॉन्सल्टेंसी, फिर भी आप भरोसा कर सकते हैं, केरल के साइड जो भी बंदे वो ट्राई कर सकते हैं, महाराष्ट्र में इसका चल रहा है रिक्वायरमेंट। एक्सेस पार्टनर देखिए कॉन्सल्टेंसी तो बहुत सारी है बट एक्सेस पार्टनर का भी हमें कुछ खास आइडिया नहीं है फिलहाल अभी। MG वाले की बात करें, MG वाला बहुत अच्छा बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, 100% जेन्युइन है, इस पे जो भी रिक्वायरमेंट आप भरोसा कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सल्टेंसी है, कुछ और भी ऑफिसेस है, ऐसा कुछ ऑफिस अगर छूट रहा है अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप भी ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें पता लगे। ये ब्राइट इंटरनेशनल जेनुइन कॉन्सल्टेंसी, स्मैक्स की बात करें, ये स्मैक्स देखिए बहुत अच्छी कॉन्सल्टेंसी, बहुत अच्छी ऑफिस है, ये सऊदी का रिक्वायरमेंट है, वाल के इंटरव्यू 3, 4, 5, 6 और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 7 तारीख होने वाला है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का 100 बंदों का रिक्वायर्ड, बहुत ही मतलब भी भाई ज़ोरदार रिक्वायरमेंट है, चेक करें, 100 इलेक्ट्रीशियन मिल जाएंगे, फिर भी चेक करें, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो अप्लाई जरूर करें इसमें। रॉयल रिच एयर ट्रैवल, इसका आइडिया नहीं है। MG वाला ग्लोबल हमने बताया, MG वाला ग्लोबल बहुत अच्छी कॉन्सल्टेंसी है। ब्राइट इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा है, देखिए ब्राइट इंटरनेशनल यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट चल रहा है, फ्री रिक्वायरमेंट भी है कतर का शटडाउन का, क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई बड़ौदा चेन्नई कोलकाता में होने वाला है, कोऑर्डिनेटर एरिया क्या क्या रिक्वायर, सुपरवाइजर टेक्नीशियंस भी स्टैटिक रोटेटिंग का रिक्वायर्ड है, वाल्व इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है, HSD सेफ्टी ऑफिसर प्राइम होल्डर,
कौन कहता था कि फिटर का भी रिक्वायर्ड, ओवरहेड क्रेन का भी रिक्वायर्ड फ्री है, रिगर का भी रिक्वायर्ड फ्री है, ऐसा नहीं स्किल और नॉन स्किल कभी रिक्वायर्ड आता। ब्राइट बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस है, बहुत ही तगड़ी कंसल्टेंसी है जी हाँ। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझ ले चीज़ों को, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी, अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। जो भाई कहता है ना कि भाई कम चार्जेस वाली कंसल्टेंसी बताया, तो आप वीडियो देखा करें पूरी, देखेंगे तो पता लगेगा आपको ये कंसल्टेंसी कौन। ये है हमदान ग्लोबल, हमदान ग्लोबल भी अच्छी कंसल्टेंसी है, उतनी पुरानी नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, इसके थ्रू भी जो भी रिक्वायरमेंट जा सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। किंगशिप ओवरसीज के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है, और विजन अरबिया सॉल्यूशन उतना तगड़ा नहीं है बट ठीक ठाक है। यहाँ पे यावम ह्यूमन क्या है, ये इसका रसिया का रिक्वायरमेंट है। कंसल्टेंसी बहुत है भाई, थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए बंदों को, हर एक कंसल्टेंसी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अबू धाबी का एनएसएच का जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है देखें, इसमें ये रिक्वायरमेंट है एशिया पावर का, तो एशिया पावर में जो भी रिक्वायरमेंट आग बनकर भरोसा कर सकता है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है मगर काम भी होता है, ज़बरदस्त होता है। श्रीनाथ एसोसिएट की बात करें, श्रीनाथ एसोसिएट कंसल्टेंसी अच्छी है, उतनी तगड़ी नहीं पर फिर भी अच्छी है। मस्कत का रिक्वायरमेंट ओमान का, अगर कोई भी इंटरेस्टेड बंदा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6G एंड आर्क वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, इसमें अप्लाई किया जा सकता है, इशू नहीं है, कंसल्टेंसी अच्छी है। ये एशिया पावर का कुवैत का रिक्वायरमेंट है, जो भी बंदे इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई करें, एशिया पावर में अच्छी कंसल्टेंसी है। यहाँ देखिए एशिया पावर का कुछ तगड़ा तगड़ा रिक्वायरमेंट निकल गया, उज्बेकिस्तान का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, देखिए यहाँ पे एशिया पावर की तरफ सही है, तो ये तो 100% जेन्युइन है, बिल्कुल ठोक बजाए, कोई टेंशन नहीं, आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के जो भी बंदे इंटरेस्टेड है उज्बेकिस्तान के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ये 100% जेन्युइन कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग कंपनी है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस चल रहा है, वीज़ा फ्री, टिकट फ्री, इमीडिएटली डिपार्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सुपरवाइजर, पाइप सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर फोरमैन, पाइपिंग फोरमैन, पाइप फैब्रिकेटर, फिटर, आर्क वेल्डर, CSSS का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, देख लें गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बस आप इसमें अप्लाई जल्दी से करें। एशिया पावर का रिक्वायरमेंट 100% जेन्युइन ऑफिस है। देखिए उज्बेकिस्तान, रोमानिया, कुवैत मगर ये इस कॉन्सल्टेंसी के बारे में हमें आइडिया नहीं है फिलहाल। गौरी ट्रैवल के बारे में हमने पहले ही बताया था, गौरी ट्रैवल के बारे में मीरा रोड में है, वो ठीक ठाक है, उतनी मतलब उतना तगड़ा नहीं जितना तगड़ा तुमने सोचते हैं। अल इंटरनेशनल इसके बारे में आइडिया नहीं, गौरी का हमने बता दिया आपको। यहाँ पे अर्ल इंटरनेशनल का आइडिया नहीं, गौरी क्या बात है, गौरी अर्ल इंटरनेशनल ही सेकंड पेज में छाए हुए हैं। ये ट्रांस एशिया के बारे में बात करते हैं, ट्रांस एशिया अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी, जी हाँ ट्रांस एशिया का अगर जिसको नहीं पता होगा उसको बता दें, ट्रांस एशिया अच्छी कंसल्टेंसी है। सऊदी का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में 9 तारीख को होने वाला है फॉर एयर आउटलेट फैक्ट्री का। यहाँ पे फॉर वुड फैक्ट्री का भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एल्युमिनियम फैक्ट्री का भी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोजिशंस के बंदे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो चेक करें, अलग अलग बंदे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अलग अलग फील्ड का मेटल स्टील डक फैक्ट्री का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, डक फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ट्रांस एशिया की बात करें, अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जोगेश्वरी वेस्ट में अवेलेबल है, 100% जेन्युइन है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, आरके ट्रैवल, आरके ट्रैवल देखिए उतनी मतलब ये नहीं है, आरके ट्रैवल उतना तगड़ा नहीं है, आरके ट्रैवल ठीक ठाक में आएगा। अब ट्राई करें जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छी और बड़ी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करेंगे ना तो चांस थोड़ा रहता है कि काम अच्छा। हाँ मीना सपोर्ट की बात करें तो मीना सपोर्ट अच्छी कंसल्टेंसी है। ये कतर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, रिक्वायर फॉर द बिगेस्ट कैटरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है कतर का, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस चला, क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है। ये 3 तारीख का ही रिक्वायरमेंट है, टेंशन ना ले, ये नहीं सोचे कि बहुत पुराना है, बिल्कुल अपडेटेड रिक्वायरमेंट है। पेपर के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि पेपर के थ्रू बात करें, पेपर के थ्रू बताएं, पेपर में क्या होता है थोड़ा रीड करने में और समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी चलिए जैसा आप लोग को अच्छा लगे। इसमें 8 आवर की ड्यूटी है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होगा और सिलेक्शन मोड ऑनलाइन होने वाला है। कंसल्टेंसी अच्छी है, जेन्युइन है, भरोसा कर सकते हैं, मुश्किल नहीं, अप्लाई करें और इंशाल्लाह बेहतर साबित होकर आएगा। आगे बात करते हैं शील्ड ग्लोबल HR, शील्ड ग्लोबल HR के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा कंसल्टेंसी रहेगा जिसके बारे में आप जानते हैं जेन्युइन है तो ज़रूर बताएं। अश्विन इंटरप्राइज उतना कुछ खास नहीं है, अश्विन कोची की है। सर्विस क्रू वेटर का रिक्वायरमेंट है, ये कौन सा है, ये एक्सिस इमिग्रेशन, इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है।
ई ट्रस्ट में पहले बताया था, ई ट्रस्ट उतनी तगड़ी कंसल्टेंसी नहीं है, एजेंट वेजेंट का थोड़ा ज़्यादा उसमें चक्कर रहता है। तो ट्राई करें आप, डायरेक्टली अगर अप्लाई होता तो अप्लाई करें, बेटर होगा। विट्रो इंटरनेशनल का उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। यहाँ पे रिफाइनरी लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट ये है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग ये 100% जेन्युइन है। जी हाँ, इसके थ्रू अगर अप्लाई करना चाहता है, रिफाइनरी का लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है साइपम का, वो बहुत बहुत तगड़ा रिक्वायरमेंट है, बहुत तगड़ा कंपनी, बहुत तगड़ा है। हार्नेस डेवलपमेंट साइपम का रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरब का क्लाइंट इंटरव्यू 6 तारीख को, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बिल्कुल मिस ना करें, जो भी बंदे बिल्कुल मिस ना करें। SS6G TG&R वेल्डर अगर जाए, SCST TG&R वेल्डर जाए, पाइप वेल्डर इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, बहुत बेहतरीन रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छा है, इसे फ्यूचर बन जाएगा, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, चेकआउट करें। नेक्स्ट, अल इंटरनेशनल के बारे में उतना आइडिया नहीं है कुछ खास। और यहाँ नीचे कौन सा कॉन्सिडेंसी है, यूनिवर्सल ओवरसीज, हाँ यूनिवर्सल ओवरसीज अच्छी है, ये अच्छी है, भरोसेमंद है, पुरानी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं इस पर। कोई भी रिक्वायरमेंट तो कुवैत का रिक्वायरमेंट है, विजिट जरूर करें, कि यहाँ पे कोची में इसका ऑफिस का एड्रेस दिया गया, कोची में इंटरव्यू चलने वाला है। रहमान के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। यहाँ दूसरा ये कुछ सब्बा इंटरप्राइज का भी कुछ खास आइडिया नहीं है। चिनार की तरफ से NBTC का रिक्वायरमेंट है, ये बहुत तगड़ा है, NBTC कुवैत का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया चिनार की तरफ से, जो क्लाइंट इंटरव्यू 4 फरवरी को होने वाला है, और बहुत सारा रिक्वायरमेंट देखिए, BE मैकेनिकल इन मैकेनिकल, तो ये सीनियर फील्ड का रिक्वायरमेंट है, सीनियर फील्ड में जो भी रिक्वायरमेंट है, BE चाहे डिग्री चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्किल का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जगह आपको यहाँ बताते हैं कुछ स्किल का, जैसे फैब्रिकेटर है, ग्रेट ब्लास्टर, स्कैफोल्डर, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट फिटर हो गया, ये सब रिक्वायरमेंट है। फ्री फूड, 8 आवर्स की ड्यूटी है। चिनार बात करें, चिनार बहुत अच्छी कॉन्सल्टेंसी, ये मेरा पहला ऑफिस है जिसके थ्रू हम गए थे, बहुत तगड़ा ऑफिस है, बहुत ही लो चार्जेस है, कोई ज़्यादा तगड़ा चार्ज नहीं। हाँ, जो कंपनी है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में इनका काम होता है, तो भरोसा कर सकते हैं इस पर 100%। बीटा की बात करें, बीटा बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी। चिनार में हम गए थे 2006 में गए थे, आई थिंक अबू धाबी। हाँ देखिए, चिनार का ये बीटा की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है, जो कि 3, 4, 5, 6, 7 वाल कर इंटरव्यू का टाइम दिया गया। सऊदी और कतर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। देखिए यहाँ पे 45 अगर आपका एज है तो भी अप्लाई कर सकते, बहुत सारे बंदे कहते हैं 40 के बाद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, 50 तक भी हमने देखा हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपको वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि एज लिमिट किस में कितना है। देखिए इसमें एज लिमिट 43 है, उसमें 45 था, 2-3 साल ऐसे ही कम हो गया, तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में एज लिमिट कम होता है, डिपेंड करता है कंट्री और कंसल्टेंसी के ऊपर। ये देखिए 3CC का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, कंसीडर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी KSA, इंटरव्यू मुंबई 3, 4, 5, 6 को, 3, 5, 6 को होने वाला है। मैकेनिकल सिविल अलग अलग फील्ड का रिक्वायरमेंट है, चेक कर ले, अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स है। और अंबे कॉन्सल्टेंसी की बात करें, अंबे कॉन्सल्टेंसी अच्छी और भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी, मगर इसमें क्या थोड़ा सैलरी वगैरह थोड़ा कम वम होता है, जो भी होता है, तो देख ले, फिर भी आप अप्लाई जरूर करें। प्रेरणा ठीक ठाक होती है, तगड़ी जबरदस्त नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक है, एजेंट से बेटर है। जी हाँ, प्रेरणा एजेंट से बेटर है। तो और भी देख लेते हैं कॉन्सल्टेंसी, कोई तो मिस तो नहीं हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी कॉन्सल्टेंसी मिस नहीं हुआ है, पूरी कॉन्सल्टेंसी की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो ये था हमारा अब तक का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, डेट आपको बताते चले, ये डेट देख लिए यहाँ पे, 3 तारीख का डेट का ये पेपर है, अवेलेबल है। तो अब तक का ये था हमारा कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहले बार चैनल विजिट करते, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए सबसे पहले। और कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट्स भी आपका रीड करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे, आपने क्या पूछा था और क्या उसका जवाब होगा वो भी आपको मिलने वाला इसी वीडियो में। तो कोई भी सवाल है तो सवाल जरूर करें, सवाल करने में कोई इशू नहीं है, आपका जवाब भी मिलेगा। तो जैसे कमेंट की बात करते हैं, देखें यहाँ पे कमेंट की बात करते हैं, ये थर्सडे का हमारा वीडियो है और हम थर्सडे के पिछली वीडियो के कमेंट्स का सिर्फ बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए थर्सडे का हमारा वीडियो है और फ्राइडे को हमने पब्लिश नहीं किया था, कुछ साउंड का इशू था इसके लिए, और सैटरडे आज है, आज पब्लिश कर रहे हैं, आज कमेंट्स रीड कर रहे हैं, संडे को फिर रीड करेंगे सैटरडे का वीडियो का। ये नहीं कि आप किसी वीडियो में कमेंट करें तो सोचे कमेंट हमारा रीड होगा, नहीं होगा, आप अपडेटेड वीडियो में प्लीज़
कमेंट करें। तो बात करते हैं, ब्रिजेश यादव जी कुछ लिखते हैं यहाँ पे, उन्होंने लिखा है आवाज़ सही नहीं आ रहा है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश साहब, आपने बहुत अच्छी बात ये कही, आपकी इसी कमेंट से हमने वीडियो का फिर अपना रिव्यू किया था, हमें लगा कि वाकई पिछला दो वीडियो का जो वॉइस था बहुत ही ख़राब था, तो फिर हमने इस पर थोड़ा काम किया है और इसीलिए हमने फ्राइडे का वीडियो अपलोड नहीं किया। देखिए थर्सडे का है, फ्राइडे को माइक का थोड़ा इशू था, माइक हमने ठीक किया, उसके बाद में फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है ये इस वीडियो का वॉइस सही होगा। तो ब्रिजेश साहब आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप अगर देख रहे हैं तो ज़रूर मैसेज करके बताएं कि साउंड कैसा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बात बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनूर हुसैन लिखते हैं भाई लाइव, आप लाइव कब आते हैं भाई साहब, लाइव के बारे में बताइए, लाइव वीडियो कब चलता है, कितने बजे रात को आते हैं लाइव वीडियो, थोड़ा मेरे को बताइए, बहुत परेशान हूँ भाई साहब मैं जाने के लिए। देखिए लाइव वीडियो ऐसा है, लाइव हमने ऐसा फाइनल किया हुआ है संडे के दिन लाइव रखेंगे, और क्या टाइम रखेंगे ये आप बताएं, हमने एक पोस्ट हम पब्लिश करने वाले हैं तो आप आज बताएं, तो फिर संडे के दिन हम लाइव करेंगे सेशन और उसी टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, और जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे आपसे। फिर लिखते हैं सेम अनूर हुसैन साहब लिखते हैं यहाँ पे, भाईजान और खैरियत जनाब, अरे भाई साहब इसका नाम बताइए जिसमें एजेंट नहीं हो मुंबई में, ठीक है सेटरिंग कारपेंटर के लिए हमको जॉब अप्लाई करना है, ठीक है ऐसा ऑफिस बताइए जिसमें, बिल्कुल आपको ऐसा ऑफिस हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप लो चार्जेस के, देखिए एजेंट का तो बात छोड़ दें, आप एजेंट तो हर जगह दुनिया के कोने में मिल जाएगा, हर एक ऑफिस में एजेंट मिल जाएगा, बट आपको हमने बहुत सारा ऐसा बताया रिक्वायरमेंट जो कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लो चार्जेस ऑफिस है यहाँ पे, यहाँ तक फ्री रिक्वायरमेंट भी हमने बताया हुआ है, सेटरिंग कारपेंटर का ही, यूरोप का भी सेटरिंग कारपेंटर का बताया था हमने, इसराइल का भी सेटरिंग कारपेंटर का बताया था, अच्छे सैलरी में बताया था वो। आप अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम आपका, आपको इतना तो करना पड़ेगा, वीडियो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दो मिनट देखें निकल गए तो वो अलग बात है, फिर बात समझ रहे हैं। फिर भी हम लाइव आएंगे तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे, लाइव आएंगे तो आपसे बाकी बात भी आपसे करेंगे, बहुत जल्द ही करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात, तो अगर कोई भी डाउट्स आपका है तो कमेंट जरूर करें, अगली वीडियो में कमेंट्स आपका रीड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।